कटनी जिला सत्र न्यायालय द्वारा लोक अदालत लगाकर के प्रकरणों का निपटारा किया गया। कटनी की जिला सत्र न्यायालय द्वारा लगभग 5,000 केसों को जिला सत्र न्यायालय में रखते हुए बिजली विभाग, दहेज प्रथा, चेक बाउंस, उपभोक्ता फोरम, दुर्घटना से संबंधित मुकदमों का निराकरण किया गया। समाज के व्यापक हित हेतु वैमनस्यता समाप्त करने, आपसी सौहार्द की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु सुलह या राजीनामा द्वारा सद्भावना से निर्णय प्राप्त कर द्वेष भावना को मिटाकर प्रतिपक्षी के साथ मैत्री और भाईचारे की उपस्थिति रही और मुकदमों का निराकरण किया गया। कटनी से प्रवीण पाराशर की रिपोर्ट। अजय सिंह राठौर, एडवोकेट, आज जिला अधिवक्ता संघ कटनी। आज जो लोग अदालत लगी हुई है जी, तो उसमें कम से कम कितने केस निपटे? आज दिनांक 12/12/2020 को जो नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, उसमें हमारे कटनी जिला एवं सत्र न्यायालय में कम से कम 5,000 के आसपास प्रकरण जो थे लोक अदालत में आपसी निराकरण हेतु रखे गए थे, जिसमें क्रिमिनल, सिविल, एमएससीटी के पर्याप्त मात्रा में केसों का निराकरण किया गया है। और इन केसों में हमारे यहाँ के जो अधिवक्ता हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अन्य जजों का एवं सभी वकीलों का बहुत सहयोग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निराकरण किया गया है। और अभी फिलहाल जो एमपीवी के भी प्रकरण हैं जी, वो इसमें लोक अदालत में सम्मिलित किए गए क्या? जी जी, एमपीवी के काफ़ी जो केसेस हैं उसमें सरकार के द्वारा उसमें काफ़ी मात्रा में छूट का भी प्रावधान रखा गया था, जिसमें बहुत सारे केसेस जो हैं चोरी, विद्युत बिजली विभाग के चोरी आदि के मामले जो हुए निराकरण किए गए हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार मिश्रा, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय का। तो आप लोक अदालत में आप भी कुछ बोलेंगे क्या? लोक अदालत विगत कई वर्षों से ये लोक अदालत का प्रचलन चला आ रहा है ना, जिसमें हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लोक अदालत है और 12/12 को पूरे हिंदुस्तान में लोक अदालत है। और श्री माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार हमारे जिला और सत्र न्यायाधीश श्रीमान AK पालीवाल साहब के निर्देशन में ये लोक अदालत का संचालन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्त अधिवक्तागण भरपूर योगदान दे रहे हैं। और इसमें जितने भी प्रकरण लोक अदालत के लिए रखे गए हैं, राजीनामा युक्त प्रकरण हैं, समस्त प्रकरणों में वकील लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और ये सब लोक अदालत में राजीनामा कराने का प्रयास कर रहे हैं। लोक अदालत का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा निर्णय होता है जिसमें इसके बाद पूर्ण मतलब जो भी विवाद होता है उसको उसमें पूर्ण विराम लग जाता है, वो उसमें अपील नहीं होती है, जो लोगों की कोर्ट फीस वगैरह लगती है वो सब वापस हो जाती है। तो इससे अच्छा न्याय और कहीं नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में दोनों पार्टियों में बड़ा सद्भाव बन जाता है और विवाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो हमारे समस्त अधिवक्तागण, हमारे अजय सिंह राठौर एडवोकेट जो हमारे जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारी सदस्य भी हैं, है ना, इन सब लोगों के सहयोग से ये लोक अदालत का संचालन का कार्य किया जा रहा है।